मारीना संदेश स्वागत है आपका मारीना संदेश में। मैं फहद काजमी, आप देख रहे तेज का तेजी से बढ़ता है यूट्यूब चैनल। इस समय उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर से बड़ी खबर आ रही है कि जेल में बाहुबली मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी, जो कि गाजीपुर के सांसद बन गए हैं, सांसद बनने के बाद गाजीपुर जेल फिर अपनी पुरानी स्थिति में वापस आ रहा है। जेल में कैदियों के अच्छे दिन शुरू हो चुके हैं। फोन पर रची जा रही आपराधिक साजिश, जी हाँ, गाजीपुर जिला जेल अक्सर विवादों में रहते हुए कुछ महीने पहले कैदियों ने बैरक में सीसीटीवी कैमरा लगाने को लेकर जेल में तांडव किया था। आगजनी के साथ जेल में पार्टियों के झंडे भी लहराए गए थे। अब जिला जेल के अंदर का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें गाजीपुर जिला जेल के कैदी फोन से बात कर रहे हैं, साथ ही उनको अलग खाना भी उपलब्ध कराया जा रहा है। गाजीपुर की सियासी फिजा बदली हुई है। बाहुबली मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी गाजीपुर के सांसद हैं। अब गाजीपुर जिला जेल अब अपने पुराने दौर में लौटता नजर आ रहा है। जेल से फोन कॉल के जरिए फिरौती आपराधिक साजिश भी रची जा रही है। वहीं जेलर इस मामले में कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। बैंकों में सीसीटीवी कैमरा लगाने के बाद जिला प्रशासन की सरपरस्ती में कैदियों को जेल के विशेष स्थान पर फोन कॉल की सुविधा दी जा रही है, जहां सीसीटीवी कैमरा नहीं लगाया है। जब इस मामले में रिपोर्टर मेहताब आलम ने उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव अनूप चंद पांडे से सवाल किए तो वह भी इस मामले से बचते नजर आए। बताते चलें कि मुख्य सचिव जेल के इस गंभीर सवाल पर भी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से नीचे नहीं उतरे। हमारे सवाल करने पर सूबे के शीर्षस्थ अधिकारी का ऐसा करना अपने आप में बड़े सवाल खड़े करते हैं। योगी सरकार में जेलों में हो रही साजिशों को लेकर उच्च अधिकारियों का उदासीन रवैया बहुत कुछ कहता है। वहीं मुख्यमंत्री योगी सुबह से लाइन ऑर्डर पर कानून व्यवस्था को लगातार दम भरते हैं और अपराधियों के उत्तर प्रदेश छोड़ने या जेल में चले जाने की बात करते हैं। अपने कई इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि अपराधियों के लिए बाहर घूमना खतरनाक होगा, इससे बेहतर है कि वह जेल में चले जाएं। लेकिन योगी की जेल आजकल उनकी आरामगाह और आपराधिक साजिश रचने का अड्डा बनी हुई है। बीते वर्ष बागपत जेल में शिफ्टिंग के दिन ही माफिया डॉन मुन्ना बजरंगी की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद योगी सरकार की जेलों में कैदियों की सुरक्षा पर सवालिया निशान खड़े हुए थे। एडीजी ने मीडिया के माध्यम से खुद सफाई दी थी। आपको बता दें कि समय समय पर जेल का निरीक्षण जिला प्रशासन द्वारा उत्तर प्रदेश में गठित जेल सुधार समिति द्वारा किया जाता है। बावजूद इसके जेल की ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं, जेलर की सरपरस्ती में जिला जेल के कैदी बेरोक टोक फोन का प्रयोग कर रहे हैं, साथ ही उनके खाने के लिए विशेष व्यवस्था की जा रही है, जो पहले से ही सरकारों में जेल में वीवीआईपी व्यवस्था की याद दिलाता है। वाकई योगी सरकार में कैदियों के भी अच्छे दिन आ गए हैं। इस मामले में जो मेहताब आलम ने जिलाधिकारी के बालाजी से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि एसडीएम के नेतृत्व में कमेटी बना दी गई है, जांच कराई जा रही है। जांच के दौरान जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आइए हम आपको आगे बाइट में दिखाते हैं अनुचंद्र पांडे जी का बयान और के बालाजी उप जिलाधिकारी गाजीपुर का बयान।
परेशान किया जा रहा है किसान को। एक मिनट एक मिनट, सर जेल का वीडियो प्रोहिबिटेड होता है और गाजीपुर जिला जेल लगातार विवादों में और जेल का वीडियो वायरल हो रहा है। अभी तो पहले इस पर एक्सप्रेस वे की बात करूँगा, जैसे मामला संज्ञान में आया मेरे द्वारा एक अपर उप जिलाधिकारी स्तर के अधिकारी से इसको जांच कराया गया है। जांच उपरांत जो आज्ञा प्राप्त हुई है उसको शासन में जो संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई के लिए प्रेषित किया गया है। हम इस संबंध में शासन और कारागार सुधार विभाग से हम लोग बात कर रहे हैं, शीघ्र ही इस पर जो उचित कार्रवाई है वो होगी। सर लगातार जेल का इंस्पेक्शन किया जाता है तो ऐसी गतिविधियां जो सामने आ रही हैं तो उसमें जांच में अगर कार्रवाई होती है तो किस पे इसका जिम्मेदार किसको माना जाएगा, जेल प्रशासन या? इस संबंध में इसको बहुत गंभीरता से लिया गया है क्योंकि अभी कार्रवाई बीच की स्थिति पर है और इसमें मैं बिल्कुल ये क्लियरली कह सकते हैं इसमें जो जिम्मेदार के विरुद्ध जरूर कार्रवाई होगी। गाजीपुर से मेहताब आलम की रिपोर्ट। खबरें पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। खबरों का ताज़ा अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल मारिनर संदेश लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें।